दोस्तों बात करेंगे बिग बैश लीग के मैच नंबर 13 के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि मेलबोर्न स्टार और सिडनी सिक्सर्स की टीम के बीच खेला जाएगा। और दोस्तों मैं हमेशा की तरह एक बार फिर आज आपको बताऊंगा कैसे क्यों आप लोग होने वाले बिग बैश लीग के इसी मैच नंबर 13 में अपना एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाते हुए ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि स्मॉल लीग को फोन कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए, हम लोग फैंटेसी क्रिकेट क्यों खेलते हैं? भाई हम लोग फैंटेसी क्रिकेट पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। अच्छा भाई, हम फैंटेसी क्रिकेट में पैसा कैसे कमा पाएंगे? भाई वो ऐसे कमा पाएंगे कि हम एक टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हमारा टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो हमें पैसे मिल जाएंगे। अब भाई एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन हम कैसे बना पाएंगे? भाई अच्छा टीम कॉम्बिनेशन हम तभी बना पाएंगे जब टीम में हमने जिन खिलाड़ियों को चुना वो सब परफॉर्मेंस करे। अब भाई हम टीम में सही खिलाड़ियों को कैसे चुन पाएंगे? वो तो भाई हम तभी चुन पाएंगे जब हमारे पास सभी खिलाड़ियों की सारी जानकारियां मौजूद हो। और दोस्तों सभी खिलाड़ियों के बारे में जो बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अपने एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, वो सारी की सारी आज मैं आपको एक बार फिर अपने वीडियो में शेयर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। और हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों वीडियो होगा बड़ा छोटा लेकिन इन्फॉर्मेटिव। पहले मैं बात करूंगा मेलबर्न स्टार्स के टीम के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बारे में कि भाई मौजूदा टाइम के अंदर कौन सा खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्यों परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन से खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, ताकि दोस्तों होने वाले बिग बैश लीग के मैच नंबर 13 में अपना एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बना शानदार परफॉर्मेंस कर पाए। फिलहाल दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की टीम के लिए चिंता की बात यह है कि टीम के ओपनिंग बल्लेबाज जो एक अलग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। अभी तक बिग बैश लीग के 3 T20 मैच खेले जिनमें सिर्फ 14 रन बना पाए। इसी तरह दोस्तों टीम की थोड़ी सी चिंता वाली बात है लेग स्पिन गेंदबाज एडम जेम्पा को लेके, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिडनी थंडर की टीम के सामने एक खेले गए T20 मैच में एडम जेम्पा ने अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते टीम को फोन कराया। लेकिन दोस्तों अभी तक खेले जा चुके कुल 3 T20 मुकाबले जिनमें 2 T20 मुकाबलों में एडम जेम्पा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। यानी दोस्तों मेलबर्न स्टार्स का टीम गेंदबाजी में थोड़ा सा परेशान होगा एडम जेम्पा को लेके, तो बल्लेबाजी में जोई क्लर्क को। रही बात दोस्तों अपनी ब्यू बेस्टर की, तो ब्यू बेस्टर को ज्यादा बल्लेबाजी का मौका फिलहाल मिला नहीं है। बल्लेबाजी का मौका मिलेगा तो शायद ये परफॉर्मेंस कर सकता है। ये तो दोस्तों बात हुई जो खिलाड़ी थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं या फिर करने वाले हैं। इस सूची में दोस्तों पहला नाम आएगा आपका स्टोनिस का, क्योंकि स्टोनिस ने सिर्फ 2 T20 मैच खेले। ध्यान दीजिए, आप कहोगे भाई आप बोल रहे हो स्टोनिस परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस कर रहा है तो इसने 2 T20 मैच में सिर्फ 44 रन क्यों बनाया? दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला T20 मुकाबला स्टोनिस ने खेला नहीं, दूसरे T20 मैच में रन आउट हो गया, और तीसरे T20 मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी स्टोनिस ने और आई थिंक 31 रन बनाए थे। इसी तरह धीरे धीरे करते दोस्तों स्टोनिस परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देंगे बिग बैश लीग में, क्योंकि इनका डीजल इंजन है, इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर ये डीजल इंजन एक बार स्टार्ट हो गया तो इसको रोक पाना काफी मुश्किल होगा। इसके बाद दोस्तों निक लैरकिन की बात करें, बल्लेबाज अच्छा है लेकिन दोस्तों बिग बैश लीग के 3 T20 मैच में एक में हाफ सेंचुरी कर दिया, उसके बाद अगले 2 T20 मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। फिर दोस्तों आपके मैक्सवेल है, पहले 2 T20 मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए लेकिन तीसरे T20 मैच में बल्ले के साथ अच्छी परफॉर्मेंस जरूर की। इसी तरह दोस्तों आपके रिटन कैटरेट काफी परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन काफी कम लोग रिटर्न कैटरेट को टीम में शामिल करेंगे। दोस्तों 3 T20 मैच में 75 रन बना दिया और इनके नाम कोई भी सेंचुरी हाफ सेंचुरी नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, अगर भाई आप लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हो और ग्रैंड लीग में रिटर्न कैटरेट को टीम में शामिल करने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपका बिल्कुल सही फैसला हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप रिटर्न कैटरेट को टीम में शामिल करेंगे इसका मतलब ये आप चाहते हैं इसको बल्लेबाजी का मौका मिले। अगर आप चाहते हैं इसको बल्लेबाजी का मौका मिले तो फिर दोस्तों वो सेम टीम कॉम्बिनेशन में मेलबर्न स्टार्स की टीम के इन चारों बल्लेबाजों को एक साथ टीम में शामिल मत कीजिए। यानी कि इन चारों बल्लेबाजों में किन्हीं दो को टीम से बाहर कर सकते हैं। अब दोस्तों जिन दो को टीम से बाहर करने की बारी आएगी उसमें आप यहां से लैरकिन को बाहर कर सकते हैं और जोए क्लर्क को बाहर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने इन दोनों बल्लेबाजों को टीम से बाहर किया तो एल्टन कैटरेट को टीम में शामिल कीजिए। अगर दोस्तों आपने मेलबर्न के इन चारों खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया तो फिर एल्टन कैटरेट को टीम में शामिल मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन चारों बल्लेबाजों को टीम में शामिल करोगे
तो आप लोग चाहते हैं कि आपके चारों बल्लेबाज परफॉर्मेंस करें। अगर दोस्तों इन चारों ने परफॉर्मेंस कर दिया तो फिर इसको बैटिंग का मौका मिलेगा नहीं और गेंदबाजी ये वैसे ही करता नहीं है। अगर दोस्त आप चाहते हैं परफॉर्मेंस करें तो ऊपर से दो को ड्रॉप कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे गेंदबाजी में बात करें तो फिर आपको सरप्राइज कर सकते हैं काउच अपनी गेंदबाजी के साथ। देखिए काउच को काफी कम लोग टीम में शामिल कर रहे हैं और काउच ने दोस्तों अभी तक 3 T20 मैच में 5 विकेट चटकाए। ठीक है, अब होगा क्या, देखो जिस T20 मैच में आपको क्रेट की दिक्कत आती है आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करते हो जिनका क्रेट कम होगा। लेकिन जिस T20 मैच में क्रेट की दिक्कत नहीं आएगी उस T20 मैच में आप ऐसे गेंदबाजों को भूल जाते हैं जो शानदार परफॉर्मेंस लगातार करते चले जा रहे हैं। और दोस्तों अभी तक आप इनकी परफॉर्मेंस देखिए, 10 ओवर की गेंदबाजी कर 85 रन देके 5 विकेट चटकाए। काई सहमत ने 7 ओवर में 40 रन देके 3 विकेट चटकाए, जो आपके गेंदबाज से आंद्रे रसल काफी महंगे साबित हो रहे हैं। 8 ओवर में 78 रन देके विकेट नहीं मिला। इसी तरह नाथन कुल्टर लाइन ने टाइट गेंदबाजी जरूर की जिन्होंने 8 ओवर में 58 रन देके 2 विकेट चटकाए। अब दोस्तों ध्यान देने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि आंद्रे रसल जो दोस्तों बल्लेबाजी नंबर 7 तय कर रहे हैं जिन्होंने 2 T20 मैच में 59 किया, यानी जब भी इनको बल्लेबाजी को मिला अच्छा परफॉर्मेंस किया। और सबसे जरूरी चीज जो आप लोग दोस्तों नेगलेक्ट कर रहे हैं वो इनकी गेंदबाजी। दोस्तों ये आंद्रे रसल नाम का गेंदबाज 8 ओवर गेंदबाज से अभी तक बिग बैश लीग में कर चुका है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों इसको विकेट नहीं मिला। लेकिन ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन आंद्रे रसल को विकेट मिलेगा रसल गुच्छे में विकेट चटकाएगा। इसलिए आंद्रे रसल को अपनी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम में हल्के में मत लीजिए। अगर आपने 3-4 ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बना रखे हैं तो आंद्रे रसल को जरूर अपने किसी ना किसी टीम कॉम्बिनेशन में कप्तान जरूर बनाइएगा। अब दोस्तों इसी तरह हम बात करेंगे भाई सिडनी की टीम के कौन से हैं वो खिलाड़ी जो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, कौन से खिलाड़ी परफॉर्मेंस करने वाले हैं। दोस्तों सिडनी टीम की बात करें तो डायनल यूज का परफॉर्मेंस नहीं हुआ, 3 T20 मैच में रन है सिर्फ 5, उम्मीद मुझे काफी कम है कि ये दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की टीम के सामने परफॉर्मेंस कर पाएगा। और क्यों दोस्तों ये बल्लेबाज से मैं कम उम्मीद कर रहा हूं इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। फिर दोस्तों आपके मध्यक्रम के जो बल्लेबाज डैन किश्चन और जॉर्डन सिल्क, इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को निराश किया। डैन किश्चन ने 3 T20 मैच में 22 रन किया जबकि दोस्तों जॉर्डन सिल्क अभी तक खाता अपना खोल नहीं पाए। हालांकि दोस्तों देखिए जॉर्डन सिल्क काफी अच्छे बल्लेबाज है, अगर इनको विकेट पे थोड़ा टाइम बिताने को मिलेगा तो शायद अच्छा कर सकते हैं, यानी शायद अच्छा कर सकते हैं। रही बात आपके डैन किश्चन का, तो डैन किश्चन का दोस्तों अगर सिडनी की जो टीम है वो 18 से 20 ओवर में इस्तेमाल करेगा तो इसके परफॉर्मेंस करने के चांस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर डैन क्रिश्चियन को ऊपर बल्लेबाजी करने भेजा जाता है या फिर दोस्तों आप मान लीजिए सिडनी टीम के जो बल्लेबाज है ये थोड़ा जल्दी जल्दी आउट हो जाएंगे और डैन क्रिश्चियन को थोड़ा जल्दी बल्लेबाजी मिलेगा तो परफॉर्मेंस करने के चांस कम हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों गेंदबाज में कोई खास कमाल दिखा नहीं पाए। इनके अलावा गेंदबाज में हम बात करूं सिडनी की टीम की तरफ से तो टॉम करन दोस्तों काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फिलहाल 8 ओवर में 5 विकेट चटका चुके हैं। लेकिन दोस्तों महंगे भी काफी साबित हुए। साथ में एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको दूं कि शॉन एबेट दोस्तों शायद ये T20 मैच को मिस कर देंगे, ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे वीडियो में शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनके रिप्लेसमेंट पे दोस्तों बेन डेविस को खिलाया जा सकता है। शॉन एबेट का मैं बता दूं क्यों ये T20 मैच को मिस कर सकते हैं। दोस्तों देखिए T20 मुकाबला मेलबोर्न में खेला जाएगा और शॉन एबेट सिडनी में रहते हैं, उनकी वाइफ दोस्तों प्रेग्नेंट है और कभी भी उनकी डिलीवरी हो सकती है। इसी के चलते दोस्तों उन्होंने सिडनी में रुकने का फैसला किया। बाकी दोस्तों मैच से पहले कोई भी अपडेट मुझे शॉन एबेट को लेके मिलेगा तो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में जरूर शेयर कर दूंगा, ज्वाइन नहीं किया आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी दोस्तों जो सिडनी का टीम है इनको एक बड़ा झटका लगेगा क्योंकि शॉन एबेट ने 7 ओवर में 56 रन देके 3 विकेट चटकाए थे। हालांकि दोस्तों टीम के पास एडन केन भी है जिन्होंने अभी तक गेंदबाजी सिर्फ 5 ओवर का किया लेकिन विकेट पूरे 4 चटका चुके हैं। फिर आपके क्रिस जॉर्डन है जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इसी तरह दोस्तों स्टीव किफिन अच्छी गेंदबाजी कर 12 ओवर में 5 विकेट चटकाए। तो क्या स्टीव किफिन दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की टीम के सामने अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, इसके बारे में भी वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं भाई मेलबर्न स्टार्स की टीम के कौन कौन से बल्लेबाज आज रन स्कोर करेंगे और क्यों वो रन स्कोर करने वाले हैं। पहले दोस्तों मैं बात करूंगा स्टोनिस की। देखिए स्टोनिस को अगर थोड़ा सा बांध के रखा जा सकता है तो तेज गेंदबाजों के सामने रखा जा सकता है, लेकिन कोई भी तेज गेंदबाज इनके सामने अच्छी गेंदबाजी करेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों स्टोनिस के सामने वो तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं सिक्सर्स की टीम, मुझे कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आ रहा जो दोस्तों लगातार 140-145 की स्पीड से गेंदबाजी करता हो, इसलिए स्टोनिस के परफॉर्मेंस करने के जो चांस है वो थोड़े से अधिक होंगे। साथ ही में दोस्तों खेले गए पहले T20 मैच में इनको जो सिडनी थंडर का टीम था उनके लेग स्पिन गेंदबाज तनवीर सांगा ने आउट किया, लेकिन फिलहाल
फिलहाल सिडनी सिक्सर्स की टीम में एक लेग स्पिन गेंदबाज स्कोप है, लेकिन उसको प्लेइंग 11 में शायद जगह नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, टॉस के बाद सिडनी का टीम किन गेंदबाजों को खिलाएगा, क्या सिडनी की टीम ने किसी लेग स्पिन गेंदबाज को खिलाया, क्या सिडनी की टीम ने किसी ऐसे गेंदबाज को खिलाया जो दोस्तों तेज गति से गेंदबाजी करता हो, इन्हीं सब चीजों का ध्यान में रखते हुए जो मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन होगा वो आपको मैं जरूर टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करेंगे जोए क्लर्क, लेकिन जोए क्लर्क दोस्तों पिछले तीनों T20 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि ये बल्लेबाजी करने जब आएंगे तो इनका एक ही काम है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना। और दोस्तों ये बल्ला स्विंग करते हैं, लेकिन बल्ला स्विंग तो कर रहे हैं लेकिन दोस्तों टीम के लिए नहीं, अपोनेंट टीम के लिए, क्योंकि आउट जल्दी हो जा रहे हैं। उम्मीद मुझे काफी कम है कि जोए क्लर्क का बल्ला एक बार फिर बोलेगा। हालांकि दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जहां प्रेडिक्शन फेल है, हो सकता है आज इनके बल्ले से 25-30 रन निकल जाए। फिर इसके बाद आपके बल्लेबाज आएंगे लैरकिन, जिनको खेले गए पिछले T20 मैच में मीडियम गेंदबाज ने आउट किया, लेकिन दोस्तों इनको एक छोटी सी दिक्कत और है, वो दिक्कत होगी इस T20 मैच में ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी के सामने। दोस्तों क्यों होगी वीडियो में आगे चल के आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर दोस्तों आपके मैक्सवेल है, पिछले T20 मैच में बल्ले के साथ 40 और विकेट भी चटकाया, दोस्तों मैक्सवेल को भी दिक्कत होगी ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी के सामने। और आप लोग जानते हैं सिडनी सिक्सर्स की टीम में एक दोस्तों ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज मौजूद है जिसका की नाम है स्टीव कीफ, वो दोस्तों किस तरह इन बल्लेबाजों को परेशान करेंगे वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों इसी तरह बिग बैश लीग में मैक्सवेल को तंग करते हैं लेग स्पिन गेंदबाज। आप लोग जानते होंगे दोस्तों सिडनी की टीम के एक लेग स्पिन गेंदबाज है तनवीर सांगा, उसने मैक्सवेल को काफी परेशान किया। और यही चीज मैं कह रहा हूं, अगर सिडनी सिक्सर्स का टीम दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की टीम को हराना चाहे तो अपनी टीम में एक लेग स्पिन गेंदबाज को खिला सकता है। अगर खिलाएगा तो दोस्तों क्या हम उसको टीम में शामिल करेंगे, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करे गेंदबाजी करिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको टीम में शामिल करने का फैसला करेंगे। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये खिलाड़ी ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों के सामने प्रॉब्लम हो रहा है इनको, साथ ही में लेग स्पिन के सामने हो रहा है, वीडियो में आगे चल के आपको मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह दोस्तों आप देखिए जो आपके बल्लेबाज है हिडन कैटरेट, इनके सामने अगर आप लेग स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे तो इनको भी परेशान किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों रसल का परफॉर्मेंस लेग स्पिन गेंदबाजों के सामने फिलहाल कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। अब दोस्तों आप लोग कहोगे भाई सिडनी थंडर का जो टीम है उनकी टीम में तनवीर सांगर नाम का एक लेग स्पिन गेंदबाज था तो उसने हिल्टन कैटरेट को आउट क्यों नहीं किया, हिल्टन कैटरेट ने उसी टीम के सामने 22 रन क्यों स्कोर कर दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए तनवीर सांगर ने इसी बल्लेबाज के सामने काफी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जब ये बल्लेबाजी करने आए उस टाइम पे तनवीर सांगर का एक ओवर बाकी था। अब दोस्तों ये मतलब थोड़ी तनवीर सांगर आएगा पहली बॉल पे हिल्टन कैटरेट को आउट कर देगा, थोड़ा दोस्तों प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। अगर वो लगातार दो ओवर गेंदबाजी करते तो शायद हिल्टन कैटरेट को जल्दी आउट कर सकता था। इसलिए दोस्तों लेग स्पिन गेंदबाज काफी इंपॉर्टेंट होंगे अगर आज सिडनी सिक्सर्स का टीम उनको खिलाएगा। फिर दोस्तों देखिए लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजों के सामने आपके हिल्टन कैटरेट 43 बॉल में 4 बार आउट हुए, रन भी सिर्फ 60 किया। आप कहोगे भाई थंडर की टीम में कैसा गेंदबाज था डैनियल सैम, तो दोस्तों उसने हिल्टन कैटरेट को क्यों आउट नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा गेंदबाज तो था लेकिन वो गेंदबाज सामने आ गया किसके, रसल के। दोस्तों रसल ने 11 गेंदों में 33 रन स्कोर कर रखा है लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने। जब दोस्तों एक लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज रसल के सामने गेंदबाजी करने आया तो क्या हुआ, टीम के कप्तान को लगा यार इसकी तो पिटाई हो गई। और दोस्तों उस ओवर के अंदर हिल्टन कैटरेट को ज्यादा बल्लेबाजी नहीं मिला और फिर जो गेंदबाज थे डैनियल सैम उनको भी ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई। अगर दोस्तों टीम यहां पे गेंदबाजी कराए सिडनी सिक्सर्स का बेन डेविस के साथ जो कि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है तो फिर दोस्तों हिल्टन कैटरेट को आउट किया जा सकता है। अब मैंने आपको कहा था भाई मैक्सवेल के सामने ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करो विकेट चटका सकते हैं। दोस्तों देखिए मैक्सवेल स्टीव कीफे के सामने 53 गेंद में 2 बार आउट हुए। इसी तरह दोस्तों अगर बेन डेविस की बात करें 40 बॉल में 3 बार आउट हुए। फिर नीचे दोस्तों आपके निक लैरकिन है जो स्टीव कीफे के सामने 27 बॉल में 3 बार आउट हुए। यानी दोस्तों आपको पता चल गया कि भाई आज स्टीव कीफे क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं मेलबर्न स्टार्स की टीम के सामने। तो मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि अगर यार आपने ग्रैंड लीग स्मॉल लीग खेलना है तो उस टीम में क्या कीजिए, अगर आपने स्टीव कीफे को टीम में शामिल किया तो इनको कप्तान वाइस कप्तान मत बनाइएगा। अगर आपने टीम में मैक्सवेल और लैरकिन को टीम में रखा, अगर दोस्तों आपने स्टीव कीफे को कप्तान बनाया तो इन दोनों बल्लेबाजों को कप्तान वाइस कप्तान मत बनाइएगा, क्योंकि आप लोग चाहते हैं जो आपकी टीम का गेंदबाज है स्टीव कीफे अगर दोस्तों विकेट चटकाए
तो उसको बल्लेबाजों को आउट करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे आसान है मैक्सवेल और लैरकिन को आउट कर पाना। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बल्लेबाज मैक्सवेल और लैरकिन रन बनाए तो फिर स्टीव किफे को विकेट नहीं चटकाने देना। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों का ध्यान में रखकर अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो निश्चित ही ग्रेनलिक स्मॉलिगा फोन कर जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाजों की कमजोरी और ताकत के बारे में। दोस्तों देखिए इनके ओपनिंग बल्लेबाज है फिलिपी जो कि पिछले T20 मैच में लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने आउट हुए। और क्या दोस्तों इस T20 मैच में जो मेलबर्न स्टार्स का टीम है वो किसी लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज को खिलाएगा ये टॉस के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि दोस्तों फिलिपी ने बेहतर जरूर किया और पहले T20 मैच में 83 किया और दूसरे T20 मैच में सिर्फ 5 रन कर पाए। विंस ने दोस्तों 3 T20 मैच के लिए तीनों में अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन दोस्तों ये बल्लेबाज भी पिछले T20 मैच में लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज के सामने आउट हुआ। यानी दोस्तों अगर मेलबर्न स्टार्स का टीम सिडनी सिक्सर्स के इन दो बल्लेबाजों को थोड़ा सा परेशान करना चाहे तो एक लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज को टीम में शामिल करना ना भूले। इसके बाद दोस्तों हेंड्रिकेस की बात करें 3 T20 मैच खेले जैसा कि आप देख सकते हैं जिनमें दोस्तों 2 T20 मैच में तो आउट नहीं हुए और जिस T20 मैच में आउट हुए वहां भी अच्छी बल्लेबाजी की और 73 रन स्कोर किया था। फिलहाल दोस्तों इनकी कोई कमजोरी मेरे को नजर नहीं आ रही और उम्मीद करता हूं एक बार फिर वापस होने वाले बिग बैश लीग के मैच नंबर 13 में ये बल्लेबाज अच्छा रन स्कोर करेगा। फिर दोस्तों ध्यान होगा मैंने ह्यूज को लेकर आपको कहा था कि यार मेरे को उम्मीद काफी कम है कि ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेगा। उम्मीद इसलिए भी कम है ना क्योंकि देखो लेग स्पिन गेंदबाजों के सामने 120 बॉल में 11 बार आउट हुए। मेलबर्न स्टार्स की टीम में 2-2 लेग स्पिन गेंदबाज मौजूद है, एक का नाम है काय शर्मा, दूसरे का एडम जैम्पा, तो दोस्तों बिल्कुल ये फंस जाएगा। इसके बाद ये क्या ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और दोस्तों ऑफ ब्रेक गेंदबाजों के सामने आउट हो जाता है। और आप लोग जानते हैं ग्लेन मैक्सवेल अक्सर दोस्तों लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करते हैं और दोस्तों ये 99 गेंद में 7 बार ऑफ ब्रेक गेंदबाज के सामने आउट हुआ। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजों के सामने भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि शायद दोस्तों ये बल्लेबाज मेलबर्न स्टार्स की टीम के सामने परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। फिर दोस्तों आ जाते हैं सिडनी टीम के बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क, उसी तरह डैन क्रिश्चियन आपके आ जाएंगे। दोस्तों देखिए जब डैन क्रिश्चियन बल्लेबाजी करेगा तो मैंने एक चीज आपको समझाई कि भाई डैन क्रिश्चियन को जितना ऊपर बल्लेबाजी को भेजोगे उतना कम रन स्कोर करने का चांस रहेगा क्योंकि डैन क्रिश्चियन बल्लेबाजी करेगा इनके सामने अपने लेग स्पिन गेंदबाजों को मेलबर्न स्टार्स का टीम लगाएगा और इसको आउट कर सकता है क्योंकि 94 में ये 5 बार लेग स्पिन के सामने आउट हुए। इसी तरह दोस्तों इनके सामने खुद कप्तान मैक्सवेल अगर गेंदबाजी करते हैं तो भी इनको बांध के रखा जा सकता है। पिछले T20 मैच में लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज के सामने आउट हुए और दोस्तों ये सारा इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको पता चलता है कि भाई आपने किस गेंदबाज को टीम में लेना है, किस गेंदबाज को कप्तान बनाया तो किन बल्लेबाजों को टीम में नहीं लेना, किन बल्लेबाजों को टीम में ले तो किन गेंदबाजों को टीम में शामिल मत कीजिए। दोस्तों इन सब इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है इसी इंफॉर्मेशन के चलते तो अपना अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बना ग्रैंडलिक स्मॉलिक को फोन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए डैनियल ह्यूज आपको नजर आएंगे, जैसा कि मैंने कहा भाई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, कप्तान मैक्सवेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करने आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सवेल इनको 35 गेंद में सिर्फ 48 रन करने दिया और आउट 3 बार ही किया। यानी दोस्तों अगर ये बल्लेबाज अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है तो फिर इसके सामने मैक्सवेल जल्दी गेंदबाजी करने आ जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप विंस की बात करें तो विंस को देखिए लेग स्पिन गेंदबाज है 2, एडम जैम्पा के सामने तो 31 बॉल में 55 रन किया और दोस्तों एक बार आउट हुए लेकिन काय सहमत की 21 गेंदों में दोस्तों सिर्फ 29 रन कर पाए और 2 बार ही आउट हुए। इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिए कौन सा गेंदबाज किस बल्लेबाज को परेशान कर रहा है, उस बल्लेबाज को उस गेंदबाज के सामने टीम में शामिल मत कीजिए या दोस्तों जो बल्लेबाज किसी गेंदबाज के सामने अच्छा खेलता है उसके सामने वो गेंदबाज को अपने ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन में शामिल मत कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मुकाबला MCG में खेला जाएगा। MCG क्या है, MCG दोस्तों होम ग्राउंड है कौन सी टीम का, मेलबर्न स्टार का, और उनकी टीम को होम एडवांटेज तो मिलने ही वाला है इसलिए दोस्तों उन्हीं की टीम के जो मैच जीतने के चांस है थोड़े से ज्यादा होंगे। अगर सिडनी का टीम मेलबर्न स्टार्स की टीम को हराना चाहे तो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला करना चाहिए क्योंकि मेलबोर्न में खेले गए पिछले 5 T20 मैच में 4 मौकों पे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच को जीता। इस वेन्यू में खेले गए पिछले 5 T20 मैच में दोस्तों आपके बल्लेबाजों ने ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दिए गेंदबाजों के कंपैरिजन में, बल्लेबाजों ने आपको 1661 फैंटेसी पॉइंट दिया तो गेंदबाजों ने सिर्फ 1375, इस तरह बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को 286 पॉइंट से लीड किया। अब दोस्तों मैंने कहा कि इस वेन्यू में बल्लेबाजी करना आसान है पिछले 5 T20 मैच को देखा जाए तो दोस्तों इससे आपको पता यह भी चलता है क्योंकि दोस्तों इस वेन्यू में खेले गए पिछले 5 T20 मैच में तेज गेंदबाजों ने बैलेंस स्पिन ने 13 विकेट चटकाए, तेज गेंदबाजों का औसत 27 का तो स्पिन गेंदबाजों का 39
इसका है, यानी स्पिन गेंदबाज के कंपैरिजन में तेज गेंदबाजों के विकेट चटकाने के चांस जो वो ज्यादा रहेंगे। अगर पहली पारी में बात की जाए तेज गेंदबाजों ने 20, स्पिन ने 5 विकेट चटकाए, दूसरी पारी में तेज गेंदबाजों ने 22, स्पिन ने 8 विकेट चटकाए। इस वेन्यू में दोस्तों खेले गए पिछले 5 T20 मुकाबले में किस किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। पिछला T20 मैच निक लैरकिन को मिला 52 रन बाद किया 43 गेंदों में। उससे पहले बेन डेविस ने इसी वेन्यू में 3 विकेट चटकाए, जैक इवांस ने 5 विकेट चटकाए, आपके मैथ्यू वेड ने 86 रन किया, जेसन रॉय ने 54 रन किया। अब दोस्तों देखिए, या तो बल्लेबाजों ने इस वेन्यू में परफॉर्मेंस किया, अगर गेंदबाजों ने विकेट चटकाए हैं तो फिर तेज गेंदबाजों ने विकेट चटकाए हैं। यानी दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रैंड लीग अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो या तो बल्लेबाजों को टीम में कप्तान वाइस कप्तान बनाइएगा, या फिर दोस्तों तेज गेंदबाजों को कप्तान वाइस कप्तान आप बना सकते हैं। और कौन सी टीम के तेज गेंदबाजों को कप्तान वाइस कप्तान बनाएंगे इसका कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं जो टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगा उसके मैच जीतने के चांस ज्यादा है, और जो टीम चेस करेगा उसके चांस कम रहेंगे। इसलिए दोस्तों जो टीम चेस में गेंदबाजी करेगा उस टीम के तेज गेंदबाजों को अपनी टीम में आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेरे फाइनल टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पूरा वीडियो में समझाया है भाई लेग स्पिन गेंदबाज खेलेगा, कौन से बल्लेबाजों को परेशान करेगा, कौन से बल्लेबाजों को ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज परेशान करेंगे। और आप लोग जानते हैं फिलहाल अभी तक टॉस नहीं हुआ, टॉस हो जाने के बाद कंफर्म पता चल जाएगा कितने लेग स्पिन और ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज से T20 मैच में खेलेंगे, कितने लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज से T20 मैच में खेलेंगे, और इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठा दोस्तों हम फाइनल टीम कॉम्बिनेशन अपना बनाएंगे। फिलहाल दोस्तों टॉस से पहले जो मैंने टीम कॉम्बिनेशन बनाया, यहां दोस्तों कीपर रखा है फिलिपी को, बल्लेबाज है आपके विंस, स्टोनिस और लैरकिन। अगर मैं ऑलराउंडर खिलाड़ियों में बात करूं, टीम में हेनरी केस, मैक्सवेल, रसल और हेडन को टीम में शामिल किया। यहां से दोस्तों स्टीव कीफे, टॉम करन और काउच को टीम में रखा है। दोस्तों यह है मेरा फैंटेसी टीम। इसी टीम में अगर आपको लगता है मैंने किसी गलत खिलाड़ी का चुनाव किया तो वीडियो में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करते अपनी मर्जी से खिलाड़ियों को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, इसी T20 मैच में मैंने हेडन को क्यों टीम में शामिल किया, क्योंकि शॉन एबट खेलेगा नहीं, शॉन एबट की गैर मौजूदगी में शायद हेडन को गेंदबाजी ज्यादा मिल सकती है। फिर दोस्तों काउच को इसलिए टीम में शामिल किया क्योंकि काउच का जो परफॉर्मेंस है डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है, साथ ही में दोस्तों जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कप्तान को इनके अंदर, और कप्तान उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल दोस्तों मेलबर्न स्टार टीम के विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, इसलिए भी इनको टीम में शामिल करना बनता है। कप्तान है एनरिकेस, वाइस कप्तान है मैक्सवेल, लेकिन दोस्तों टॉस को देखते हुए जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन सा टीम गेंदबाजी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग कप्तान वाइस कप्तान भी बदले जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आप सब भाइयों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आने वाले हमारे सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके।